नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स और मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, आज दिन तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है और इस वजह से सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनको अब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अब आप सोचिए, आप लगातार प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ हासिल नहीं होता है, तो अब करते क्या? या टूट पड़ जाते हो उस इंसान के ऊपर, या कुछ करने की कोशिश करते हो हाथ पैर मारने की। तो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स भी यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। और आप देखिए, आंदोलन ये कोई छोटी बात नहीं है। आंदोलन एक बहुत बड़ा शब्द होता है, अर्थ भी इसका बहुत बड़ा होता है, कि आंदोलन करना रोज रोज नहीं होता है। आंदोलन यानी सुबह आंदोलन किए, शाम गए, वापस रात हुई, सुबह हुई, वापस उठ के आंदोलन करना, ऐसा नहीं होता है। आंदोलन अपने जगह पर तरीके से, प्लानिंग से होता है। अब मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे पूछा जा रहा है कि मैडम वो गए हुए नित्यानंद राय जी से मिलने के लिए, क्या हुआ? तो मैंने कहा उनसे कि वो ज़रूर गए हुए हैं मिलने के लिए और उन्होंने 7 दिन का समय दिया है, उसके बाद उनसे एक मीटिंग करेंगे सारा कुछ। तो देखिए, नित्यानंद राय जी केंद्र का सरकार है, केंद्र में है, केंद्र का मंत्री है, और उनका बात रखना एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और उनका मान रखना, उनका शब्दों का मान रखना। 7 दिन तक वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो 7 दिन की घड़ी बीत रही है, हर पल वो कैसे गुजार रहे हमें पता है, हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉल्स आ रहे हैं तो उस कॉल का जवाब मैं देते रहती हूँ, और इस बीच में जब हम एक दूसरे कॉल पे बात करते हैं और एक कॉल आ जाता है बिटवीन, तो आप बुरा मत मानिए अगर मैंने आपका कॉल अटेंड नहीं किया है। मैं ज़रूर कॉल बैक ज़रूर करूँगी या मैसेज कर दूंगी, या फिर आप मैसेज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कॉल नहीं उठाती हूँ, मैं सबका कॉल उठाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। सो डिस्टर्ब मत हो जाइए, आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट्स टू बी डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड और डीमोटिवेटेड एनीवेयर, बिकॉज आंदोलन व्हाट इज गोइंग ऑन विद द एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, it's not a small issue, okay? So, आप demotivation नहीं होना है, disturb भी नहीं होना है, और बड़े साधारण तरीके से आंदोलन हो रहा है, और वो अब शांत या चुप इसीलिए है क्योंकि जो उन्होंने कहा है 7 दिन तक शांत रहिए, तो शांत रहना पड़ता है, honor देना रहता है भाई, उनका सम्मान करना पड़ता है, उनका शब्दों का सम्मान करना पड़ता है, हमारा काम होना है, इसीलिए उनका शब्दों का सम्मान करना पड़ता है। किसी बड़े मंत्री जब कुछ बोलते हैं, वो भी केंद्र में होते हुए भी, तो बहुत उनका बातों का वजन है और सम्मान भी करना पड़ता है। तो यही एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इंतज़ार और बातों का सम्मान रखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ, आंदोलन कोई आसान काम नहीं है, मैंने कहा पहले भी। आंदोलन आके देखिए, सुबह उठे आंदोलन किए, रात सोए, सुबह उठे आंदोलन किए, रात, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का भी प्लानिंग होता है। अब जो लीडर्स है इसमें, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, ओके, जो लीडर्स है वो जानते हैं, तो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं
उनका रहने का, उनका खाने का, उनका नहाने का, धोने का, सारा कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखना रहता है उनको। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोचिए, सुबह वो नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना मिले या रात नहीं मिले पता नहीं, अगर दोपहर का खाना मिला है तो सुबह का नाश्ता भूल जाना पड़ता है, रात का खाना मिले या ना मिले वही हाल होता है रात का खाने का। आज जो SSC ग्रेडी स्टूडेंट्स, भूखे पेट तो ज़रूर है, इरादा मजबूत है इनका, नंगे पैर ज़रूर है, चलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये कठिन परीक्षा दे रहे हैं, यू कहिए अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, अपना देश को लेकर, अपना देश का रक्षा को लेकर, आम जनता का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो पल पल अपने आप को उस सांचे पे डाल रहे हैं, फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश ने पूरे कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अपने आप कि ये आज परिस्थिति है तो कल आगे जब इनकी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ये किन हालातों में रहेंगे। तो आप ये भी सोचिए कि किन हालातों से ये गुजर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक फौजी बनने का, उनका जो सपना है, उनका जो जुनून है, वो इन छोटी छोटी बातों से टूटने वाले में से नहीं है। ठीक, सो ध्यान में रखिए, आंदोलन बहुत बड़ी बात होती है और उसको पूरा संभालना, किस तरह से संभालना, एक 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 स्टूडेंट जब आके उस लीडर का पूछते हमें यह खाना चाहिए, हमें वो चाहिए, ये, तो आप ही थोड़ा समझ जाइए कि ये एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना लीडर्स को करना पड़ रहा है और वो कोशिश कर रहे उन सारे कठिनाइयों का सामना करके उसका हल निकाले। तो जितने लोग स्टूडेंट्स आ सकते हैं तो ज़रूर आइए और आंदोलन पर, कोई जो मुझे फ़ोन करके कहा एकदम ठंडा पड़ गया आंदोलन, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है, आंदोलन तो चल रहा है, उनकी यूनिटी बनी हुई है, कोई तोड़ नहीं सकते हैं, कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस आंदोलन को चलाना, आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम स्पीड में तो नहीं जा सकते, आपको पता है अगर मैं एकदम से स्पीड एक्सेलेटर दबा के स्पीड बढ़ा दूं तो गाड़ी कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हर आंदोलन एकदम शांतिपूर्वक होना बहुत ज़रूरी है। तो SSC 3D स्टूडेंट्स भी आंदोलन जो कर रहे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, ध्यान में आए सारे स्टूडेंट्स को। और जो मुझे कॉल कर रहे पूछ रहे या मैंने किसी कॉल अटेंड नहीं किया तो मैं यही कह रही हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं जवाब जरूर सबको देती हूँ। ध्यान में ज़रूर रखिए और मैं माननीय गृह मंत्री से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि SSC GD स्टूडेंट्स 2018 आज उनके जो परिस्थिति है आप देख सकते हो, आप देख रहे हो, बस मेरे एक ही गुजारिश है आपसे कि आप इनका जॉइनिंग लेटर जल्द से जल्द दीजिए ताकि वो अपने परिवार से एक बार मिलकर एक पल का खुशी महसूस करें अपने परिवार के साथ, बाकी ज़िंदगी आप क्या साथ गुजारना है अपने देश
के परिवार के साथ गुजारना है, अपने देश को सुरक्षित करना है, अपने देश को रक्षा करना है, वो तैयार है मर मिटने के लिए, आप सिर्फ उनका ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।